तो हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आपका अनुभव राजपूत व्लॉग्स में। तो देख रहे हो, बाल लंबे कर लिए मैंने, काफी लंबे हो गए। मतलब पहले कभी इतने लंबे नहीं करे, शायद करे हैं बचपन में कभी एक बार, बहुत लंबे हो गए। इस बार काफी लंबे कर लिए मैंने। तो जैसे कि आपने देखा होगा इस वीडियो का टॉपिक कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम डिप्रेशन को टैकल कैसे करें, उसको मतलब उस सिचुएशन को फेस कैसे करें। तो देखो, मैं जब से कनाडा आया हूँ मुझे एक बार भी होम सिकनेस फील नहीं हुई है। मजाक नहीं कर रहा, सच में एक बार भी नहीं हुई फील। जब स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है यहाँ रखा, मतलब वहाँ जी रहा था इंडिया में, वहाँ पे तो मतलब सब कंफर्टेबली जी रहा था। अब यहाँ पे आ गया, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर कोई होम सिकनेस फील नहीं हुई। घर वालों की जैसे याद आती है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वाले बोलते हैं तू बहुत ठीक है, तुझे याद तक नहीं आई हमारी। मैं बोलता हूँ नहीं आई तो नहीं आई, क्या करें। अब इसके बहुत सारे वजह थे, मैंने अब मैं वो सब चीज़ें बताऊँगा जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा। मेरे दोस्त वगैरह एक दो बने हैं तो बोलते कि भाई हमें तो बहुत करना पड़ा। एक लड़की भी दोस्त बनी, वो बोल रही थी मैं तो बहुत रोती थी। मैं मतलब मोस्टली मैं वीडियोस में भी देख रहा था कि बोलते हैं कि जब भी आते हैं होम से होम सिकनेस, क्या बोल रहा, होम सिकनेस तो फील होती ही होती है हर किसी बंदे को। पर देखो, मेरे को एक महीना हो गया, मैंने बहुत डिफिकल्टी भी देख लिया, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। वहाँ इंडिया में मज़े में जी रहा था, इतना भी मज़े में नहीं जी रहा था, पर ठीक था। वहाँ पर आदत थी वहाँ रहने की, आदत थी। पर फिर भी देखो, मैं बिल्कुल ही मतलब मेंटली स्टेबल हूँ, मतलब बिल्कुल ही, मतलब इधर उधर दिमाग में हलचल नहीं है मेरे इतनी, मैं ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ मतलब वो हो रहा है, आपको होम सिकनेस फील हो रही है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि मैं कहाँ रखा हूँ, कि मैं मतलब बहुत दिमाग में मतलब एकदम वो होता है ना, अजीब सा हो रहा है कि मतलब बस रोने का मन कर रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है, तो उसको होने दो। पहली एडवाइस तो यही है कि उसे होने दो। वो मतलब एक बोलते हैं ना कि सोना आग में तब के ही मतलब अच्छा होता है, जो भी वो कहावत है, तो उसे होने दो। क्योंकि वो ना सबसे प्यारी स्टेज होती है लाइफ की, कि आपके आपको मेंटल प्रेशर पड़ रहा है तभी आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए, कि जब भी ऐसा कोई मेंटल प्रेशर आए ना तो उसे झेलो। उस टाइम को सोचो कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा और हमारे लिए कुछ एडवांस मतलब कुछ भलाई हो रहा है हमारा, हम पे मेंटल प्रेशर पड़ रहा है तभी हम एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये दिमाग में रखो, और दूसरी बात ये याद रखो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब पता है यहाँ पे ना इससे बहुत ज़्यादा बुरी बुरी कंडीशंस भी आती हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो सिर्फ आपको घर वालों की याद आ रही, पर इससे ज़्यादा मतलब और बहुत सारी मुसीबत आती हैं, तो उससे लड़ने में ऐसी चीज़ें ना बहुत मदद करती हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सामना करना पड़ता है। बाद में कभी बताऊँगा, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उन चीज़ों के लिए ये चीज़ हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है सच्ची में। तो अब ये तो मतलब थोड़ी वैसी बातें होगी, अब हम थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि मतलब मैंने कैसे टैकल करा, और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिस। तो देखो, मेरे को इसलिए फील नहीं हुआ, देखो अपना राज बताता हूँ आज, मेरे को इसलिए ऐसा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ बहुत टाइम से, मेरे को एक साल से ऊपर हो गया। मैंने मतलब बहुत मेडिटेशन करी, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी इस एक साल में। कभी कभी नहीं करी, मतलब जैसे कभी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता तब नहीं करता था, वरना रेगुलर रहा हूँ मैं मेडिटेशन में। लाइफ में पहली चीज़, सच्ची में पहली चीज़ ऐसी है जिसके साथ मैं इतना कंसिस्टेंट रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं करी जितनी मैंने मेडिटेशन करी है। तो अब बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी मेडिटेशन के थोड़ी सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो पाओगे, थोड़ा चीज़ों को झेल पाओगे, और इतने बाहर की चीज़ें आपको इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी। अब इनसे होगा ये कि जैसे कोई भी बाहर की चीज़ होगी तो वो मतलब ऐसा होगा कि जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगा, अगर आप नॉ मतलब आपको बुरा लगा, आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, अंदर अंदर खाती जाएंगी, ऐसा होगा। पर अगर आप इन चीज़ों में थोड़ी सी मास्टरी हासिल कर लोगे ना, कि थोड़ी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आपके साथ ऐसा होगा अगर आपको किसी ने कुछ बोला, आपको सेम उतना ही लेवल का बुरा लगेगा, ऐसा नहीं बोले नहीं लगेगा, पर उन ऐसा होगा कि वो बुरा ना सिर्फ
कुछ देर का होगा, सच्ची में थोड़ी सी देर का होगा कि आप 1 घंटा बुरा लगा 2 घंटा बुरा लगा फिर उस बात को एकदम से निकाल दोगे, आप नॉर्मल अपने पीस वाली पोजीशन में वापस आ जाओगे। इसका ये बहुत फ़ायदा है, और अगर आप इन चीज़ों को काफ़ी आगे तक करते जाओगे तो आपको इफेक्ट ही करना बंद कर देंगे, ऐसी चीज़ें। पर वो बहुत आगे की बात हो गई। तो चलिए मैं एक दो चीज़ें बताती हूँ जिन जो आपको मतलब इंस्टेंट रिजल्ट्स दे सकती हैं। नानी मेरी आज इतनी जबान स्लिप क्यों हो रही है? तो पहली चीज़ है शांभवी महामुद्रा। इसका नाम बहुतों ने सुना होगा। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, पर इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये बेसिकली इंस्टेंट रिजल्ट दे देती है, मुझे तो दे देती है। अब आपको ट्राई करके देखने कि आपको कितना जल्दी रिजल्ट मिलता है। बेसिकली क्या होता है, आपको ये जो दोनों आंखों की पुतलियाँ आई बॉल्स है ना, इनको अपने यहाँ सेंटर पे देखने की कोशिश करनी है। अब जिसको जैसा अच्छा लगे वो ऐसा कर सकते हैं, आँख खोल के करना है, सॉरी मैं ऐसा आँख खोल के करना है, आँख खोल के कर सकते हैं, आँख बंद करके करना है वो भी कर सकते हो। मैं दोनों दिखाता हूँ। पहले आँख खोल के ऐसे होगा, ऐसे नॉर्मली यहाँ पे देखने की कोशिश करनी है, ऊपर नहीं देखना, यहाँ मतलब आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करनी है। पहले तो ये होगी और दूसरा आँख बंद करके ऐसे हो गई, मतलब आँख ऊपर ही देखना, देखना ऊपर ही है, दोनों जो ब्लैक वाला एरिया हमारा ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा और आँखें बंद रहेंगी बस उसमें, सिंपली ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पूरे माइंड को थोड़ा शांत कर दिए हैं और थॉट्स को थोड़ा सा धीमा कर देती हैं, जिससे हमारा दिमाग इतना फालतू चीज़ में ज़्यादा चलता नहीं है। मेरे का एक हाथ तक क्या पकड़े पकड़े। तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत 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 अच्छी चीज़ है। अब स्टार्टिंग में इसे बहुत ज़्यादा मत करना, एक बार बता देता हूँ। मैं स्टार्टिंग नहीं थी पर मैंने काफ़ी मतलब बीच में छोड़ दी थी ये वाली मुद्रा। मैं मेडिटेशन तो करता था पर ये वाली मुद्रा मैंने कुछ टाइम के बीच में छोड़ दी, फिर मैंने एकदम से इसमें आया और मतलब मैंने आधा घंटा बैठा रहा और ये वाली मुद्रा लगा के और अदर प्रैक्टिस के साथ अदर प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो मेरे ना ये जो ये है ना यहाँ थोड़ा रेड रेड हो गया था, पर मतलब एक दिन के लिए रहा था, फिर नॉर्मली सही हो गया था क्योंकि मैंने एकदम से बिना वार्म अप के एकदम से ये कर दिया ना, तो इस वजह से हो गया था। पर ना ये मतलब मैं एक साल से कर रहा हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा आपके दिमाग को शांत कर देती है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी की एनर्जीज यहाँ पे फोकस हो जाएंगी, तो इससे आपके थॉट्स वगैरह शांत हो जाएंगी, तो ये आपको थोड़ा मतलब पीस वाली पोजिशन में रखेंगी और आपको इन सब चीज़ों से लड़ने में मदद करेंगी। अब ये नॉर्मली ऐसे वैसा कहीं भी बैठ के नहीं करना, आपकी आपके कंधे सीधे होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए, गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, हल्का सा ऊपर रखोगे तो भी चलेगा, नीचे नहीं रखना। इसके अलावा बैकबोन सीधी होनी चाहिए और इसके अलावा कोई मतलब बहुत कंफर्टेबल आसन में बैठो जिसमें भी आपको मतलब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो बैठने में। मैं ज़्यादातर टाइम सिद्धासन में बैठता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। आप चाहे तो पद्मासन बैठ सकते हैं या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। हमारी स्किन टेक्निक है ये भी एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देती है, आपको बस ये चीज़ 10 मिनट करनी है और आप एकदम से शांत हो जाओगे गारंटी के साथ। आपको नॉर्मली क्या करना है, आजकल के ज़्यादातर लोग सांस एक तो आधी लेते हैं और पूरी चेस्ट से लेते हैं, मतलब पूरी चेस्ट से हमारे पेट से भी ली जाती है। मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि पेट में हवा जाए, पर मतलब हमें कोशिश करनी है कि जब हम सांस अंदर लें तो हमारा पेट बाहर आए, ये कोशिश करनी है। और हमें पूरी लंबी लंबी सांसें लेनी है। और अगर इस टेक्निक को और अच्छा बनाने के लिए आप ओम के साथ सांसें छोड़ सकते हो पेट से ऐसे करके, और सांस जब खींचोगे तो पूरी सांस पेट में ले जाओ ओम के साथ, अंदर ही मन मन में ओम बोलना है। मतलब देखो मेरी चेस्ट में इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं दिखा होगा, मतलब पेट में ही, मतलब पेट बाहर आया जब सांस ली मैंने, तो ये चीज़ करनी है। अब आपने नोटिस करा होगा कि जब भी हम टेंशन में होते हैं या डरे हुए होते हैं कुछ भी होते हैं, तो हम आधी आधी सांसें लेते हैं और मतलब ज़्यादातर मतलब हम मतलब आधी आधी सांसें लेते हैं, तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी इफेक्ट करती हैं। अगर आप अगर आप लंबी लंबी सांसें लेंगे और पेट से लेंगे, इसे योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, तो अगर आप मतलब लंबी लंबी सांसें लेंगे और पेट से लेंगे ना, तो कितनी भी बड़ी टेंशन हो, कितने भी बड़े टेंशन, वो मतलब अगर आपने 10 मिनट से प्रैक्टिस कर ले एकदम से हट जाएगी, पूरी नहीं हटेगी, ऐसे नहीं बोल रहा पूरी दिमाग से चल जाएगी, ऐसे कोई जादू टोने वाली चीज़ नहीं होती, पर मतलब जितना भारीपन लगता है ना सर पे कि मतलब कहाँ आ रखा मैं, कनाडा में आ रखा, कब घर वालों के पास जाऊँगा, मम्मी की आदारी, पापा की आदारी, सब मतलब एकदम से शांत हो जाओगे, एकदम से शांत। ये दो टेक्निक्स ना
मतलब इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं। शांभवी मुद्रा के भी बहुत फ़ायदे हैं और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, पर अगर आपको मतलब शांभवी, अगर आपको कोई एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है ना, अगर आपको एकदम से शांत होने के लिए, तो आप ये मतलब ये वाली ब्रीदिंग कर सकते हैं। एकदम से आप शांत हो जाओगे, आप पेट से सांस लो, 10 मिनट करके देखो, 10 मिनट तो देखो देने पड़ेंगे, अगर आपने एक दो सांस ली उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो साफ बात है। पर अगर आप 10 मिनट इसे रेगुलर करोगे, मतलब लगातार करोगे, तो ये पक्का रिजल्ट देंगी। और शांभवी महामुद्रा भी बहुत 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 अच्छी चीज़ है, तो आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और ये चीज़ सच में बहुत फ़ायदे करेंगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर ये चीज़ें आ रही है ना तो अच्छी चीज़ है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। जितना माइंड पे प्रेशर पड़ेगा उतना ही आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे। यहाँ पे तो और बहुत बड़े बड़े प्रेशर रहेंगे झेलने के लिए, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें प्रिपेयर करती हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है ये प्रेशर कि ताकि हमें प्रिपेयर करने के लिए, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। तो ये थी आज की वीडियो, शांभवी महामुद्रा और ये योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं इसे, तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें एकदम आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देंगी। इनके ये तो बहुत छोटे फ़ायदे बताए मैंने, बहुत ज़्यादा छोटे फ़ायदे, इनके तो बहुत बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। मैंने इतने फ़ायदे देख रखे ना, कभी किसी बात किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा, मतलब बिल्कुल जादू टोने वाले फ़ायदे देख रखे मैंने इसके, मतलब आपको एकदम से लगा कि ये तो जादू है, ऐसे फ़ायदे। तो बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बेबी।